प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत बुनियादी साक्षरता परीक्षा 24 सितंबर 2023 को लिया गया है। साक्षरता परीक्षा परिणाम एंट्री करने से पहले शिक्षक अपना प्रोफाइल चेक करें। तो साथियों, यहां पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप राज्य शिक्षा केंद्र का पेज ओपन करते हैं, तो वहाँ पर जब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नव साक्षरों का जब रिजल्ट आप एंट्री करते हैं, तो रिजल्ट एंट्री करने से पहले शिक्षक अपना प्रोफाइल जरूर चेक कर लें, क्योंकि यदि प्रोफाइल में जो है, यदि आपका स्कूल प्रदर्शित नहीं होगा, यदि आपका संकुल केंद्र प्रदर्शित नहीं होगा, आप सीधे जो है अपनी प्रोफाइल में सुधार करने की प्रोसेस जो है BRC सर के कार्यालय में जाकर जो है सबसे पहले जो है अपना प्रोफाइल आप अपडेट कराएं। ओके साथियों, तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे वीडियो में आप भी बने रहिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ओके साथियों, तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले जो है गूगल के ऑप्शन पर जाकर सर्च बार पर आप टाइप करेंगे RSKMP, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने RSKMP टाइप कर दिया है। अब इसके बाद नीचे दिया राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश RSKMP.in, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र के लॉगिन का पेज ओपन होगा। साथियों, अब यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। ओके साथियों, देखिए यहाँ पे हम अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है, और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है साथियों, और इसके बाद जो है लॉगिन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का पेज ओपन हो चुका है। साथियों, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों NILP, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन है टीचर प्रोफाइल, उसके बाद एनरोलमेंट रिजल्ट, एनरोलमेंट समरी। तो सबसे पहले जो है बुनियादी साक्षरता परीक्षा परिणाम एंट्री करने से पहले जो है टीचर यहाँ पे प्रोफाइल अपना इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे टीचर का प्रोफाइल जो है ओपन हो चुका है। साथियों, अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीचर अपना चेक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ओके साथियों, यहाँ पे जेंडर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पद। ओके साथियों, इसके बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी, और ब्लॉक, और इसके बाद स्कूल का नाम और स्कूल का डैश कोड, और संकुल केंद्र का नाम और संकुल के डैश कोड। ओके साथियों, यदि प्रोफाइल सही है तब आप जो है छात्रों का साक्षरता परीक्षा परिणाम एंट्री कर सकते हैं। साथियों, यदि आपका यह प्रोफाइल सही नहीं है, तो यहाँ पे नोट दिया है स्कूल की जानकारी गलत दिखाई देने पर BRC या DPC से संपर्क कर RSK पोर्टल पर अपडेट कराएं। ओके साथियों, यदि यहाँ जो है स्कूल का प्रोफाइल जो है सही नहीं है, तो आप BRC कार्यालय संपर्क करके अपने प्रोफाइल को आप अपडेट कराएं। ओके साथियों, ये रहा जो है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।